वेलकम चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, आज का जो इस वीडियो में हम टॉपिक लेने वाले हैं, बिफोर टेकिंग द टॉपिक डायरेक्टली विद द हेडिंग, मैं आपको एक एग्जांपल पहले दिखाना चाहूँगा, देन वील कम टू द टॉपिक। बच्चों, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन आपके सामने है। दैट इज ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 देयर वॉज अ फर्म ऑफ राम एंड लक्ष्मण विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख। इनकी डीड में लिखा है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 9% पर एनम, सैलरी टू राम 4000 पर मंथ, कमीशन टू लक्ष्मण एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट्स। दे हैव विड्रॉन 20,000 एज ड्रॉइंग्स, दे हैव टेकन आउट मनी एंड इंटरेस्ट इज चार्ज एट 4%। नेट प्रॉफिट इज चिल्ड्रन 3,20,000 एंड यू आर सपोज टू पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो चिल्ड्रन, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग, मैंने डायरेक्टली पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया है। एज वी डू इट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑन द क्रेडिट साइड यू आर सीइंग द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट हैज बीन रिटन, दैट इज 3,20,000। देन चिल्ड्रन, आई हैव रिटन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 20,000, 4% इज 800 फॉर राम एज वेल एज लक्ष्मण, तो इट मेक्स अप 1,600। देन चिल्ड्रन, वी हैव ऑन द डेबिट साइड आइटम लाइक सैलरी टू राम 48,000, इट वॉज 4,000 पर मंथ, सो फॉर 12 months इट बिकम 48,000। Then commission to Lakshman 10% of 3,20,000, that is net profit, which comes to 32,000. And bacho, then I have shown divisible profits. Children, just think, is PL appropriation account mein aapko kuch gadbadi nazar aa rahi hai. I hope so, shayad aap ye pehchan gaye honge what is the error. Children, the error is, you got it right, interest on capital gayab ho gaya hai. So children, this happens to be the wrong PL appropriation account. So children, what I have done now is, I have taken into consideration the correct PL appropriation account also, जो अब आपके सामने आपको बच्चों नजर आने वाला है। The correct PL appropriation account will be free from the concerned errors. उसमें बच्चों ऐसे कोई भी errors आपको नजर नहीं आएंगे। आपको नजर आएगा कि हमारे correct PL appropriation account में चीजें गलत नहीं है। तो बच्चों, ये आपको correct PL appropriation नजर आ गया है। That is on the credit side again, I have taken what is called as a net profit, that is 3,20,000. Then children, we have what is said as interest on drawings, 1,600. Yes children, you can see it here right. Interest on capital has been mentioned here correctly, jo deed mein likha tha, but in this wrong PL appropriation, hum isko likhna bhool gaye the. Then children, other things are correct. To bachcho, ab आपको ये बात समझ में आ गई कि हमने पहले अपना पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो ड्रॉ किया, दैट वाज रॉन्ग, अब हमने उसको करेक्ट कर लिया। तो बच्चों, एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं, एंड एनालिसिस गोज लाइक दिस। द करेक्ट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हैज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट इन द रॉन्ग वन हमने इसको इग्नोर कर दिया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 18,000 एंड 27,000 फॉर राम एंड लक्ष्मण वॉज इग्नोर्ड अर्लियर वाइल प्रिपेयरिंग दिस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट इन द करेक्ट वन वी हैव रिटन दिस। तो बच्चों, अल्टीमेटली आपको एक चीज नजर आ रही होगी, हेयर इन द रॉन्ग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके डिविजिबल प्रॉफिट आ रहे हैं 1,20,800, 1,20,800, द टोटल इज 2,41,600 आई सपोज। एंड जब आपने पीएल अप्रोप्रिएशन को बच्चों करेक्ट कर लिया, इन दैट केस आपके जो डिविजिबल प्रॉफिट्स आ रहे हैं, दैट इज 98,300 ईच। तो बच्चों, इससे एक चीज आपको क्लियर हो गई कि आपने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गड़बड़ी कर दी, तो अल्टीमेट इफेक्ट आपका किस पे आया? यस, यू गॉट इट राइट, डिविजिबल प्रॉफिट पे। आर करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट्स शुड बी 1,96,600 डिवाइडेड एज 98,300 ईच, बट रॉन्गली इट इज कमिंग 241,600, जो गलती से डिवाइड हो गया 1,20,800 ईच। तो चिल्ड्रन, जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गड़बड़ी कर दी, तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट 45,000 से इन्फ्लेट हो गया। एज आई से, अमाउंट विच वॉज टू बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 18,000 एंड 27,000, इज रॉन्गली गिवन टू देम नाउ इन द नेम ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो बच्चों, जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें देना था, वो गलती से डिविजिबल प्रॉफिट के नाम पे इन्हें मिल गया। चिल्ड्रन, यू कैन नोटिस हेयर, जब आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे 1,20,800 एंड 98,300 का, तो दोनों पार्टनर्स में आपको गड़बड़ी नजर आ जाएगी, 22,500 रुपीज का हमने प्रॉफिट इनको ज्यादा दे दिया है। तो बच्चों, अल्टीमेटली हुआ क्या यहां पे,
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेम्यूनरेशन विच वॉज टू बी गिवन टू देम इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 18,000 एंड 27,000 बाय मिस्टेक इट हैज बीन इग्नोर्ड एंड हमने गलती से ये पैसा उन्हें डिविजिबल प्रॉफिट के नाम पे दे दिया। अब बच्चों ये गलती जब हमारे सामने आई तो ये कब आई, क्वेश्चन ये उठता है, दैट इज द टॉक ऑफ टूडेज वीडियो। बच्चों ये गलती हमको अगले साल पकड़ में आई। तो बच्चों जब करंट ईयर के एरर को आप नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई करते हो चिल्ड्रेन, तो बच्चों वी कॉल इट एज पास्ट एडजस्टमेंट्स। सो चिल्ड्रेन नाउ यू गॉट द टॉपिक, इट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। एंड बच्चों अब आप देखिए आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा इसके ऊपर। क्वेश्चन विल बी कमिंग लाइक दिस, राम एंड लक्ष्मण आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, After closing of accounts, it was found that interest on capital at 9% was ignored or omitted. Pass necessary adjusting entry. बच्चों profit आपको generally यहां पे नहीं दिया जाएगा, profit की कोई जरूरत भी नहीं है, but आपको दो बातें याद रखनी है जिससे आपको पता लगेगा how the question is indicating कि वो past adjustment topic पे आया है। चलिए ये दो बातें होंगी, after closing books of accounts as well as past necessary journal एंट्री और एडजस्टिंग एंट्री, हो सकता है दोनों में से एक सेंटेंस लिख के आए। बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो बच्चों अब एनालिटिकली मैंने एक टेबल बनाया, दैट इज प्रैक्टिकली आपको ये बात समझाने के लिए। बच्चों आप भी ऐसा ही टेबल ड्रॉ करोगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। दो चीजें इस टेबल में आपको लिखनी है, क्या चीज हमको करेक्टली देनी चाहिए थी और क्या हमसे गलती हो गई। तो चिल्ड्रन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर मैं सीधे आगे चलता हूं। अमाउंट विच शुड बी प्रोवाइडेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें 18,000 राम को और 27,000 लक्ष्मण को इंटरेस्ट देना था, दैट इज टोटल 45,000 जो हमने ओमिट कर दिया। एंड चिल्ड्रेन दिस 45,000 हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम एज डिविजिबल प्रॉफिट्स। चिल्ड्रेन यू मे हैव अ क्वेश्चन, सर ये आपको कैसे पता लगा। चिल्ड्रेन कॉमन सेंस की बात है, आप कुछ भी पीएल अप्रोप्रिएशन में गड़बड़ करोगे ऑब्वियस सी बात है योर प्रॉफिट्स वुड बी अफेक्टेड। तो जो अमाउंट इंटरेस्ट का कैपिटल पे आपने पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट करना था वो आप डेबिट करना भूल गए। एज अ रिजल्ट जब आप भूल गए सी इन योर रॉन्ग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपकी प्रॉफिट्स की जो वैल्यूज हैं दे हैव इन्फ्लेटेड। तो इसका बच्चों यही मतलब बना कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गड़बड़ी हुई वो अल्टीमेटली प्रॉफिट्स पे चली गई। तो हमने बच्चों ये पैसा इनको प्रॉफिट के नेम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज 22,500 and 22,500। तो बच्चों टोटल करेक्टली वी शुड गिव देम 18,000 and 27,000 एज इंटरेस्ट, बट बाय मिस्टेक वी हैव गिवन देम 22,500 एज प्रॉफिट। सो चिल्ड्रन नाउ वी कैन कंपेयर द डिफरेंस, दैट राम शुड गेट एक्चुअली 18,000 एज इंटरेस्ट बट बाय मिस्टेक ही हैज गॉट 22,500 एज प्रॉफिट। सिमिलरली लक्ष्मण शुड गेट 27,000 as interest on capital but by mistake he has got 22,500 as profit. So this can be concluded ki Ram ko 4,500 rupees excess mil gaya and Lakshman ko 4,500 rupees short mila hai. Milna chahiye tha Lakshman ko interest 27 but profit he has got is 22,500. So he has got short amount of 4,500 whereas Ram has got excess. तो बच्चों अब जिस पार्टनर को एक्सेस मिला आप उसे डेबिट कर देंगे और जिसको शॉर्ट मिला उसे क्रेडिट कर देंगे, जैसे बच्चों हम लोग गारंटी में करते थे। तो चिल्ड्रेन दिस इज द कॉन्सेप्ट हाउ वी डू क्वेश्चंस ऑन पास्ट एडजस्टमेंट। तो बच्चों याद रखिएगा, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट मे बी रिफ्लेक्टेड दैट सर्टन एरर्स हैव बीन क्रिएटेड, बट ये आपको अगले साल पता लगा तो यू कैन करेक्ट इट बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। बच्चों मैंने टेबल इसके लिए आपको एक दे दिया है। और बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, पास्ट एडजस्टमेंट में इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे पार्टनर्स के कैपिटल्स अफेक्ट हो, चार में से हो सकता है दो या तीन के अफेक्ट हो, बट द अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विल ऑलवेज बी इक्वल। चिल्ड्रन फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव ड्रॉन एन एनालिसिस टेबल जिसमें मेजॉरिटी सारी चीजें आ जाएंगी। बच्चों आपको बात याद रखनी है, बच्चों ये आपका एनालिसिस टेबल है। सबसे पहले आप वो आइटम्स लिखिए जो करेक्टली देने चाहिए थे, कुछ भी हो सकते हैं बच्चों उसमें से, सब भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, फिर जो आपने गलती से दे दिए। देन चिल्ड्रन यू विल गेट द डिफरेंस
डेबिट दैट जिसको एक्सेस मिला एंड क्रेडिट दैट जिसको शॉर्ट मिला। थैंक यू। सो चिल्ड्रन इट इज अ कंटिन्यूएशन, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज जो आप करेंगे। द पार्टनर हु हैज गॉट एक्सेस आप उसको डेबिट कर दोगे और जिसको बच्चों शॉर्ट मिला उसे क्रेडिट कर दोगे। तो चिल्ड्रन ये बात आपको समझ में आ गई, ये एनालिसिस टेबल बच्चों बहुत ध्यान से याद रखिएगा, इट विल बी ड्रॉन इन एवरी क्वेश्चन। जो वैल्यूज करेक्टली आपको देनी चाहिए थी आप पहले उनको लिख लोगे, फिर जो आपसे गलती हो गई आप उनको लिख लो। बच्चों आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, गलत पहले लिख लो करेक्ट बाद में लिख लो, वो भी चलेगा। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल ऑन दिस, कोई थंब रूल नहीं है कि आपको पहले करेक्ट आइटम्स ही लिखने हैं, इट कुड बी इन एनी ऑर्डर। फिर बच्चों डिफरेंस पे ध्यान दीजिएगा, देयर आफ्टर पार्टनर गेटिंग एक्सेस वुड बी डेबिटेड एंड शॉर्ट क्रेडिटेड। एक का अगर एक्सेस आ रहा है बच्चों तो दूसरे का शॉर्ट आएगा, पहले वाले का शॉर्ट आ रहा है तो दूसरे का एक्सेस आएगा। तो एक्सेस को बच्चे आप डेबिट करोगे और शॉर्ट को क्रेडिट। चिल्ड्रन इफ देयर आर मल्टीपल पार्टनर्स, ये जरूरी नहीं है सब अफेक्ट हो, बट कम से कम दो पार्टनर्स तो अफेक्ट होंगे, दैट्स वाई हमारा डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट करने के लिए। तो बच्चों वैल्यू आप समझ गए। चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई फ्रेम्ड अ सेट ऑफ मोर एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों क्लियर कर लेते हैं तो आपको ये पढ़ना और आसान लगेगा। बच्चों पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है जब हमसे प्रॉफिट्स में गड़बड़ी हो गई। चिल्ड्रन ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने के बाद पता लगा कि 55,000 रुपीज का डिविजिबल प्रॉफिट आया एंड इट वॉज डिस्कवर्ड दैट दिस प्रॉफिट हैज बिन डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। तो बच्चों यहां पे एरर क्या हुआ, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यही पहचानना है कि एरर क्या है। बच्चों हमने यहां पे प्रॉफिट्स को गलत डिवाइड कर दिया। सो चिल्ड्रन सेम एनालिसिस टेबल वी हैव, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अमाउंट विच शुड बी करेक्टली प्रोवाइडेड एज प्रॉफिट, 55,000 को चिल्ड्रन वी हैव डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:2 विच कम्स टू 33,000 एंड 22,000। देन बच्चों हमने बाय मिस्टेक इसे डिवाइड कर दिया इन द रेशियो ऑफ 1:1 चिल्ड्रन एज यू कैन सी हेयर। तो 1:1 में जब बच्चों आपने डिवाइड किया अपने 55,000 को, सो मिस्टर ए गेट्स एज वेल एज बी गेट्स ₹27,500 ईच। तो बच्चों करेक्टली दे शुड गेट 33 एंड 22, बट रॉन्गली दे हैव गॉट 27,500 ईच। सो चिल्ड्रन यू कैन पॉइंट आउट ए को मिलना चाहिए था 33,000 बट मिला है 27,500, सो ही हैज गॉट 5,500 रुपीज शॉर्ट एज सच। सेम फॉर बी, ही शुड बी गेटिंग ओनली 22,000 बट बाय मिस्टेक ही हैज गॉट 27,500, सो चिल्ड्रन ही हैज गॉट 5,500 एक्सेस। तो चिल्ड्रन एज आई सेड, जिसको एक्सेस मिला आप डेबिट कर दोगे और जिसको शॉर्ट मिला आप क्रेडिट कर दोगे। इफ इट इज फ्लक्चुएटिंग मेथड वील यूज कैपिटल एंड इफ इट इज फिक्स्ड मेथड वील यूज करंट। तो बच्चों याद रखिएगा, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट एंड फिक्स्ड में करंट अकाउंट। चिल्ड्रन प्रोसीडिंग फर्दर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर आप भूल गए, बच्चों ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, इसलिए इस पे हम सो कॉल्ड डिस्कशन अब नहीं करेंगे। बच्चों अगला जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट हायर परसेंटेज। बच्चों ज्यादा परसेंटेज आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अलाउ कर दिया। चिल्ड्रन कमिंग डाउन टू द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। डेलिबरेटली चिल्ड्रन आई हैव टेकन फिक्स्ड कैपिटल, ए एंड बी सी तीन पार्टनर्स है बच्चों, फिक्स्ड कैपिटल इज 9 लाख, 3 लाख, 6 लाख। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशनड इन द डीड एट 12% पर एनम वॉज अलाउड, वेयर एज डीड में सो कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में तो कुछ नहीं था, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था। तो चिल्ड्रन आई रिपीट, मेंशनड वॉज 10 बट आपने दे दिया गलती से 12। सो चिल्ड्रन इट इज क्लियर कि आपने 2% इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया है। तो चिल्ड्रन सबसे पहला काम है एरर ढूंढना, क्या एरर हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन अलाउड एक्सेस। तो बच्चों जब आप ज्यादा इंटरेस्ट दे दोगे पार्टनर्स को तो ऑब्वियस सी बात है लेस डिविजिबल प्रॉफिट्स वुड बी अलाउड टू देम। तो बच्चों मैंने अगेन टेबल बना लिया, रॉन्गली हमने क्या किया ये तो बाद में देखेंगे, बट पहली बात बच्चों ये समझ में आ गई कि हमको जो पैसा प्रॉफिट के नाम पे देना चाहिए था वो हमने नहीं दिया। तो हमको बच्चों देना क्या चाहिए था, रिमेंबर प्रॉफिट, हम एरर बच्चों ऊपर देख चुके हैं, आपने लेस प्रॉफिट दिया है तो पहले तो आप उनको प्रॉफिट दीजिए जितना मिलना चाहिए था। चिल्ड्रन आई हैव कैलकुलेटेड इट्स वैल्यू एज 36,000। हाउ चिल्ड्रन, आप 9 लाख का कैपिटल देख रहे हो,
3 लाख का कैपिटल देख रहे हो, 6 लाख का कैपिटल देख रहे हो, तीनों को ऐड कर दो, 9 + 3 = 12 + 6 = 18 लाख। चिल्ड्रन 18 लाख का 2% कैलकुलेट करें क्योंकि घपला 2% का हुआ है, तो चिल्ड्रन 2% ऑफ 18 लाख इज 36,000 आई सपोज। तो बच्चों इस 36,000 को आप डिवाइड करोगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में विच वॉज इक्वल, दैट इज 12 12 12। तो ए बी सी शुड बी गेटिंग, दे हैव नॉट गॉट 12,000 एज डिविजिबल प्रॉफिट, बट हमने इनको 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे दिया। ए का 2% आएगा 9 लाख पे 18,000, फॉर बी चिल्ड्रन इट इज 6,000, दैट इज 2% ऑफ 3 लाख, एंड फॉर सी चिल्ड्रन इट इज 2% ऑफ 6 लाख, दैट इज 12,000। तो बच्चों 9 लाख पे 18,000, 3 लाख पे 6,000 एंड 6 लाख पे 12,000। बच्चों आपने अब ये देख लिया कि गलती क्या हो गई। नाउ चिल्ड्रन वील कंपेयर, ए शुड गेट करेक्टली 12 एज प्रॉफिट बट बाय मिस्टेक ही हैज गॉट 18 एज इंटरेस्ट। तो बच्चों 6,000 रुपीज उसको एक्सेस मिल गया है। बी के साथ बच्चों प्रॉब्लम क्या हुई, 12,000 मिलना चाहिए था प्रॉफिट बट मिल गया 6,000 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। तो बच्चों सो कॉल्ड इसको 6,000 शॉर्ट मिला है। चिल्ड्रन रिपीट, ए को 12 मिल गया प्रॉफिट, सॉरी 12 मिलना चाहिए था प्रॉफिट एंड 18 मिल गया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, तो 6,000 एक्सेस। चिल्ड्रन बी के साथ क्या हुआ बच्चों, 12,000 रुपीज इसको प्रॉफिट मिलना चाहिए था एक्चुअली में सही सही, एंड बाय मिस्टेक 6,000 रुपए इसको इंटरेस्ट मिल गया, तो चिल्ड्रन इसका 6,000 शॉर्ट हो गया। सी के साथ बच्चों देयर इज नो प्रॉब्लम, ही शुड बी गेटिंग एज प्रॉफिट 12, नो इश्यूज, ही हैज गॉट 12,000, चाहे वो इंटरेस्ट के नाम पे ही क्यों ना मिला हो बट पैसे इसको पूरे मिले हैं। तो चिल्ड्रन इट्स अ शॉर्टेज फॉर बी एंड एक्सेस फॉर ए। तो चिल्ड्रन वी हैव डन द एंट्री अकॉर्डिंगली, ए को बच्चों हम लोग ने डेबिट कर लिया एंड बी को क्रेडिट। इफ इट इज फ्लक्चुएटिंग मेथड तो आप कैपिटल यूज करोगे, फिक्स्ड है तो करंट यूज कर लोगे, क्योंकि चिल्ड्रन इन दिस एग्जाम्पल आई डेलिबरेटली टुक फिक्स्ड कैपिटल, तो यहां पे करंट लिखना सही नहीं है, आप सॉरी कैपिटल लिखना सही नहीं है, आप करंट ही लिखिएगा। ओके चिल्ड्रन, फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल, फिक्स होगा तो करंट। बच्चों अगला एग्जाम्पल मैंने लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट लोअर परसेंटेज। बच्चों पूरा सोल्यूशन सेम है, बस आपको एक बात ध्यान देनी है, यहां पे हमने पार्टनर्स को कम इंटरेस्ट दिया है। बच्चों जब कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन में लिखेंगे तो योर एक्सेस डिविजिबल प्रॉफिट्स वुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स। चिल्ड्रन पूरा सोल्यूशन सेम है, रिवर्स हो गया बस। अब यहां पे हमने लिखा है अमाउंट विच शुड बी प्रोवाइडेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों ए को 18,000 मिलना चाहिए 2% ऑफ 9 लाख, बी को 6,000 मिलना चाहिए 2% ऑफ 3 लाख, एंड सी को बच्चों 12,000 मिलना चाहिए 6 लाख का 2%। बच्चों अब हमने इनको 10% इंटरेस्ट दे दिया, वेयर एज डीड सेड 12%, तो 2% बच्चों यहां पे कम मिला है, और ये पैसा हमने एक्सेस प्रॉफिट बांट दिया पार्टनर्स को। तो बच्चों सॉल्यूशन गेट्स रिवर्स्ड, ए को 18,000 मिलना इंटरेस्ट बट ही हैज गॉट 12,000 एज प्रॉफिट, तो बच्चों इसको 6,000 शॉर्ट मिला है। बी को 6,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए, गलती से इसको 12,000 प्रॉफिट मिल गया, सो चिल्ड्रन ही हैज गॉट 6,000 एक्सेस। तो चिल्ड्रन एक्सेस को आप डेबिट करोगे एंड शॉर्ट को क्रेडिट करोगे। तो चिल्ड्रन सेम केस, एंट्री बस आपकी रिवर्स हो जाएगी अगेन, एज आई से फिक्स्ड कैपिटल्स यहां लिए गए थे बच्चों, तो आपको कैपिटल अकाउंट यूज नहीं करना, यू विल बी यूजिंग ओनली करंट अकाउंट्स। तो रिमेंबर बच्चों, फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो वील हैव कैपिटल, फिक्स होगा तो करंट। चिल्ड्रन कमिंग अप फर्दर विद द क्वेश्चन ऑन मल्टीपल एरर्स। चिल्ड्रन नाउ वी हैव अ क्वेश्चन हैविंग मल्टीपल एरर्स इन पास्ट एडजस्टमेंट्स। चिल्ड्रन द क्वेश्चन गोज इन द सेम मैनर, थ्री पार्टनर्स आर देयर, नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अग्रीड रेशियो ऑफ चिल्ड्रन 3:1:1 एंड देयर आफ्टर ऑन 10th April, बच्चों देखिए नेक्स्ट ईयर आ गया ये 2020, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर नॉट पास्ड। सो चिल्ड्रन दिस इज द एरर कि हमने इन आइटम्स को कंसिडर किया ही नहीं। वॉट दे वर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, ए इज कैपिटल इज 50,000, बी इज कैपिटल 40 एंड सी इज कैपिटल 30। बच्चों इसी पे 10% आपको अलाउ करना था बट आपने नहीं किया।
देन चिल्ड्रन वी हैव इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो पार्टनर को हम पेनलाइज करेंगे, वी फॉरगॉट दिस ऑल्सो। देन चिल्ड्रन पार्टनर सैलरी ए एंड बी को मिलनी है, वो भी भूल गए। देन चिल्ड्रन कमीशन वॉज अलाउड टू मिस्टर ए 3000, वी फॉरगॉट दिस एज वेल। द क्वेश्चन सेज दैट यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द पोजिशन ऑफ पार्टनर्स। तो चिल्ड्रन फर्स्ट एंड फोरमोस्ट आपको ये बुलजाय क्रैक करना है कि हमारी गलती क्या है। तो चिल्ड्रन एज वी सी हेयर, हमने दो गलतियाँ की। फर्स्ट, वी हैव शेयर्ड प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स, दैट इज 30,000 रुपीज इन द रेशियो ऑफ 3:1:1 एज वेल एज। हमने दूसरी गलती की दैट ऑल द आइटम्स लिस्टेड एज ए टू डी, हम इनको भूल गए। तो चिल्ड्रन लेट्स अंडरस्टैंड कैसे हम इसको करेक्ट करेंगे। तो चिल्ड्रन फर्स्ट एंड फोरमोस्ट वील बी प्रिपेयरिंग एनालिसिस टेबल लाइक वाइज। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट वील राइट अमाउंट्स विच शुड बी प्रोवाइडेड एज, दैट इज करेक्ट आइटम्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, चिल्ड्रन एज कैपिटल वॉज 50,000, सो 10% इज 5,000। बीज कैपिटल वॉज 40,000, तो 10% इज 4,000। एंड सीज कैपिटल इज 30,000, सो 10% ऑफ 30,000 इज 3,000। चिल्ड्रन एडिंग ऑल थ्री वी गेट 12,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन चिल्ड्रन हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी भूल गए थे अकाउंट फॉर करना। हम जनरली इसको डिडक्ट क्यों करेंगे, इट्स 354A, 254B एंड 154C, टोटल मेक्सअप 750। बिकॉज चिल्ड्रन डिडक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस करता है, एंड अदर आइटम्स दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, दे आर इनकम फॉर द पार्टनर्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बींग एन ऑपोजिट आइटम हैज अ डिडक्शन। देन बच्चों आप सैलरी भी लिखनी भूल गए थे, टू मिस्टर ए 5,000 एंड टू मिस्टर बी 7,500, दैट इज टोटल 12,500। देन चिल्ड्रन कमीशन टू मिस्टर ए 3,000 रुपीज, ये भी हम भूल चुके थे। देयर आफ्टर बच्चों अब आपको अगली चीज जो कैलकुलेट करनी है, इट इज करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट्स। बच्चों दिस इज द मेन फोकल पॉइंट। बच्चों ये चीज जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, बिकॉज ऑल द मिस्टेक्स दैट वी हैव डन, ये तो क्वेश्चन में लिख के मिलेंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भूल गए, सैलरी भूल गए, कमीशन भूल गए, बट बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट जो करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होना था माइंडेड, हम वो भी तो भूले हैं। तो बच्चों अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा डिविजिबल प्रॉफिट, एंड हाउ वील कैलकुलेट दिस। 30,000 वॉज चिल्ड्रन नेट प्रॉफिट, 750 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो दीज आइटम्स आर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सो दे गेट एडेड टूगेदर। 12,000 वॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वील सब्ट्रैक्टेड। 12,500 वॉज सैलरी, सब्ट्रैक्टिंग दिस ऑल्सो, एंड 3,000 बच्चों कमीशन फॉर ए। चिल्ड्रन वील सब्ट्रैक्ट एड दीज आइटम्स एंड द डिविजिबल प्रॉफिट वर्क्स आउट टू बी 3,250, विच वील बी डिवाइडिंग इन द करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, विच वॉज गिवन एज 3:1:1। सो चिल्ड्रन वी गेट 1950, 650 एंड 650 फॉर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। सो चिल्ड्रन हेयर वी कम टू नो दैट इन एक्चुअल ए शुड बी गेटिंग 14,600, बी शुड बी गेटिंग 11,900 एंड सी शुड बी गेटिंग 3,500। इन टोटैलिटी चिल्ड्रन दीज वैल्यूज लैंड अप टू सेम, दैट इज 30,000, बिकॉज प्रॉफिट्स के ही अप्रोप्रिएशन है। तो बच्चों आपने ये कैलकुलेट कर लिया करेक्टली इन्हें क्या मिलना चाहिए। नाउ चिल्ड्रन वी नीड टू फोकस कि गलती से हमने क्या कर दिया, हमने इनके 30,000 के प्रॉफिट को 3:1:1 में डिवाइड कर दिया। बच्चों 30,000 डिवाइडेड बाय 5 इज 6,000, इनटू 3 इज 18,000, देन फॉर बी इट इज 6,000 एंड फॉर सी चिल्ड्रन इट इज अगेन 6,000। सो चिल्ड्रन दे हैव बाय मिस्टेक गॉट डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ 18,000, 6,000, 6,000 रिस्पेक्टिवली। चिल्ड्रन नाउ लेट अस कंपेयर, मिस्टर ए शुड एक्चुअली गेट 14,600, बट बाय मिस्टेक ही हैज गॉट 18,000। सो चिल्ड्रन 3,400 आपने एक्सेस दे दिया। देन फॉर बी एज वेल 11,900 ही शुड बी गेटिंग करेक्टली, बट बाय मिस्टेक ही हैज गॉट ओनली 6,000। सो चिल्ड्रन ही हैज गॉट 5,900 रुपी शॉर्ट। सिमिलरली फॉर सी, ही शुड बी गेटिंग करेक्टली 3,500, बट ही हैज गॉट 6,000 एज डिविजिबल प्रॉफिट, सो ही सीम्स टू गेट 2,500 एक्सेस। सो चिल्ड्रन दोज हु आर गेटिंग एक्सेस वील डेबिट देम, दोज हु आर गेटिंग शॉर्ट वील क्रेडिट देम, एंड अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन वी हैव द जर्नल एंट्री, पार्टनर्स गेटिंग एक्सेस वुड बी डेबिटेड एंड पार्टनर्स गेटिंग शॉर्ट वुड बी क्रेडिटेड।
Children, if it is fixed method, we'll use current account as you all know. And if it is children fluctuating method, we'll use capital account. Children, this was the talk of past adjustment. But nowadays, board may emphasize ki ek corrected capital account bhi aap banaiye. Children, it's very simple to prepare. You will write the opening balance of capital of partners. In my example, it was 50, 40, 30. Followed by the rectified entry that we have done. That is A's capital account debit, B's capital account is created, and again C is debited. So children, we'll do the posting likewise. In the account of A and C, we'll write 2B's capital, 3400 and 2500. And in the capital account of B children, we'll write by A's capital 3400, by C's capital 2500. So children, like this, we will entertain the question on multiple errors. Okay, children, one more example I would like to take. If there is the error of interest on drawings, because ye thoda anokha question hai, bachon ko pareshan karta hai, let's take up that also. Children, now we come to the example where interest on drawings is ignored. Children, the question is same. Ram and Lakshman are two partners. After closing of books of accounts, it was found that interest on drawings 1000 for Ram and 500 for Lakshman respectively were omitted. बच्चों, इसको समझाने के लिए मैंने पहले एक पीएल अप्रोप्रिएशन लिया है, बिकॉज इट इज बेसिकली डिफरेंट टू बी अंडरस्टूड लाइक वी डिड अर्लियर. बच्चों, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखना था राम और लक्ष्मण का. अगर लिख देते तो यहाँ पे बच्चों 1500 रुपीज वैल्यू आती एंड ये पैसा डिविजिबल प्रॉफिट्स के नाम पे बढ़ जाता. चिल्ड्रन, आई हैव टेकन अ कैपिटल अकाउंट इन टी फॉर्म लाइक वी डिड इन रेक्टिफिकेशन क्लास 11. बच्चों, राम को एज यू सी 1000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पेनलाइज करना है और 750 डिविजिबल प्रॉफिट्स देना है, तो अल्टीमेटली 250 रुपीज हम उससे ले लेंगे. देन बच्चों, लक्ष्मण की जहां तक बात है, 500 रुपी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू लक्ष्मण इज टू बी पेनलाइज्ड और चार्ज्ड एंड 750 वी हैव टू गिव हिम डिविजिबल प्रॉफिट. तो बच्चों, इसका मतलब 250 रुपी हम उसे प्रॉफिट देंगे. तो बच्चों, यहां पे हमने अपना बुलजाय पकड़ लिया. गलती क्या हुई है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया, दैट इज पेनलाइज नहीं किया पार्टनर्स को, एंड प्रॉफिट्स हैव बीन डिवाइडेड रॉन्गली. तो बच्चों, इसका एनालिसिस टेबल थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनेगा. पहले बच्चों, आप लिखोगे अमाउंट विच शुड बी करेक्टली डेबिटेड टू पार्टनर्स एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दैट इज 1000 टू राम एंड 500 टू लक्ष्मण. तो बच्चों, 1500 का इफेक्ट ये आएगा, अगर आप भूल गए तो आपने डिविजिबल प्रॉफिट्स भी नहीं दिए, तो 750 दे शुड गेट एज डिविजिबल प्रॉफिट्स ईच. अब बच्चों कंपेयर करते हैं, राम से 1000 रुपीज हमको लेना है और 750 उसको देना है, तो इसका मतलब बच्चों 250 हमको उससे वापस लेना है, तो ही इज अ डेटर. सिमिलरली टू लक्ष्मण, 500 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बच्चों चार्ज करना है एंड 750 उसे प्रॉफिट देना है, तो बच्चों उसको 250 अभी हम और देंगे जो उसे मिला नहीं, सो इट्स शॉर्ट. तो चिल्ड्रन, अकॉर्डिंगली द जर्नल एंट्री डेवलप्ड इज राम्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण्स कैपिटल और करंट अकाउंट. तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, 1000 रुपीज आपने राम से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है, 750 डिविजिबल प्रॉफिट देना है, तो नेट हम राम को 250 के लिए अपना डेटर बनाएंगे, पेनलाइज करेंगे. देन चिल्ड्रन, फॉर लक्ष्मण 500 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वील चार्ज एंड 750 डिविजिबल प्रॉफिट वी हैव टू गिव हिम, तो नेट बच्चों उसको 250 हमने देना है. तो चिल्ड्रन, दिस ड्रॉइंग्स कॉन्सेप्ट हैज टू बी अंडरस्टूड इन अ डिफरेंट मैनर. तो बच्चों, इस वीडियो को दो तीन बार देखिएगा ड्रॉइंग्स वाला कॉन्सेप्ट, तो ये क्लियर हो जाएगा. बच्चों, आपको कोई पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना नहीं है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर दैट इज एरर ढूंढने से लेकर रेक्टिफाई करने तक का होगा. चिल्ड्रन, आई होप सो इट इज क्लियर. थैंक यू.